अच्छा डॉक्टर कफील, आप हमें ये बताइए कि इतने सारे इल्ज़ामात आपने झेले और जो है मुश्किलात का भी आपने जो है सामना किया, असली कातिल जो था उन बच्चों का, इस क्योंकि मैं तो इसको सीधा सीधा एक बच्चों का मर्डर ही कहूँगा, ठीक है, सरकार ने इसमें अपने आप को बचा लिया और जो है खुद को बचाने के लिए आपको बलि का बकरा बनाया गया। अब आपको जो है अल्लाह ने जो है बाइज्जत बरी किया है इसमें से, कोर्ट भी जो है इसमें अपना फैसला सुना ही देगी, तो क्या हम लोगों को अब इस पर यह सवाल नहीं करना चाहिए कि इसका असली कातिल कौन है, क्योंकि इसमें कत्ल का इल्ज़ाम योगी के ऊपर आएगा? मैं तो योगी जी ही बोलता हूँ क्योंकि वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। मैं इतना कहूँगा कि देखिए, एक क्राइम, आप तो वकील से बहुत मिल चुके हैं क्योंकि आप खुद जेल जा चुके हैं, एक धारा होती है 120B, यानी प्लानिंग की, नहीं प्लानिंग नहीं, अगर आप जुर्म में सहयोग भी करते हो तो भी। योगी सरकार जो है पूरे टाइम जो है अपने हेल्थ मिनिस्टर और DGME डॉक्टर के गुप्ता को बचाने में लगी हुई है। आपने एकदम सही कहा, वो कत्ल था, 63 बच्चों का मर्डर था, वो नरसंहार था, और उस कातिलों को खोज के लाने की जिम्मेदारी मुझे लगता है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, पर उत्तर प्रदेश के परवीर से बाहर। CBI पे तो बहुत भरोसा, पता नहीं क्या की करना चाहिए कि नहीं, पर CBI इंक्वायरी हो जाए और योगी सरकार को अब पब्लिकली आना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ भाई गलती हो गई, सिलेंडर्स जो है ऑक्सीजन कमी हो गई और बच्चे मर गए, उन 70 बच्चों को, अरे पेरेंट्स को कंपनसेशन देना चाहिए। बराबर बराबर। अभी आपको पता होगा 2.5 साल होने पे सेलिब्रेशन पे योगी जी ने एक बयान दिया था कि डॉक्टर कफील तो बिल्डिंग वाले सिलेंडर्स लेके घूम रहा था, तो ये यहाँ पे इन्होंने रसीद तक लगा दी है जो मैंने अपने पैसे से खरीदी थी। अच्छा चलिए, खैर अभी आप बता रहे थे कि कल आपका जो है जन्मदिन है, तो उसके लिए जो आंखों से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या गुजरता है गुजर जाएगा, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपने भी स्वीकारी कि निजी प्रैक्टिस का मामला था, उस पर बात हो रही है। मेरी अभी गणेश कुमार जी से बात हुई है जो प्रिंसिपल साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो मीडिएटर था, मैंने केवल और केवल प्रतिलिपियाँ दी हैं, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि अभी तक किसी भी तरह की कोई दोष मुक्ति वाली बात आई है या क्लीन चिट जैसी कोई बात है। हाँ एकदम बात सही है, उसमें कोई BBC की भी न्यूज़ का मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, डॉक्टर गणेश कुमार मेडिएटर ही थे, और इंक्वायरी कमेटी जो है योगी सरकार ने खुद 22 अगस्त 2017 को सेटअप की थी, और जो आप ये चार्जेस पढ़ूँ बताऊँ मैं, जो उनका ऑर्डर था कि डॉक्टर कफील के ऊपर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती गंभीर मरीजों के समुचित उपचार में घोर कदाचार यानी मेडिकल निग्लिजेंस, वित्तीय अनियमितता और 100 वार्ड के सुपरिटेंडेंट होने के बावजूद कार के प्रति घोर लापरवाही का निर्वहन न करने का, यानी मेडिकल निग्लिजेंस, करप्शन एंड 100 वार्ड सुपरिटेंडेंट के प्राइवेट प्रैक्टिस की बात पे, तो जब ये मुझे चार्जशीट दी गई तो इसको थोड़ा चेंज करके 4 आरोप लगाए गए। पहला आरोप ये लगाया गया कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। दूसरा आरोप लगाया गया कि इन्होंने जो है इनको 30 दिन के अंदर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को CMO को इन्फॉर्म करना था, इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। और तीसरा आरोप था कि ये करप्ट हैं, मेडिकल निग्लिजेंस किया, इनके वजह से बच्चे मरे। चौथा आरोप था कि ये 100 वार्ड के सुपरिटेंडेंट अधिकारी होते हुए भी इन्होंने सीनियर्स को बताया नहीं। अब पहले आरोप पे देखिए, ये इन्होंने लिखा है कि 8 अगस्त 2016 के पश्चात आरोपी अधिकारी द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने के कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं। ये मेरा आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिखा देता हूँ जो कि 8 अगस्त 2016 का है। अब 8 अगस्त 2016 के पहले प्राइवेट प्रैक्टिस करता था तो इसके क्या मतलब है योगी सरकार से, आप बात समझ रहे हैं? मैं उनका एम्प्लॉई नहीं था, बात दूसरी बात। फिर सेकंड जो आरोप है कि मैंने सुपरिटेंडेंट को बताया नहीं, तो उसके लिए बता दूं ये मेडिकल सर्टिफिकेट, अब आप देखिए डेट क्या है, 10 अगस्त 2016 की है। उन्होंने कहा 30 दिन में नहीं बताया चाहिए, मैंने 2 दिन में बताया हुआ है। तो बहरहाल ये बात सही है कि ये आरोपी अधिक, उन्होंने कहा है कि 2 आरोप आरोपी पे फिक्स होते हैं और 2 आरोप नहीं होते हैं। जांच अधिकारी ने माना है हिमांशु कुमार जी ने कि 10 तारीख को मैं छुट्टी पे होने के बावजूद उस रात पहुंचा, हर निर्दोष जीवन को बचाने के लिए जंबो सिलेंडर का इंतजाम किया,
10 और 11 की रात में मिलके उन्होंने और उनकी टीम ने 500 जंबो सिलेंडर्स का इंतजाम किया। उन्होंने माना कि इनके ऊपर कोई करप्शन का सबूत नहीं मिलता है और ये जो कंक्लूजन दिया है कि ये 100 वाट के सुपरिटेंडेंट नहीं थे, ये कहा है इन्होंने कि इस आरोप के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य बलहीन और असंगत हैं, यानी विदाउट एनी सब्सटेंस और बेसलेस हैं। अच्छा, ये जो आपको ये दिया गया है, ये शासन ने आपको दिया है? हाँ, हाँ, गणेश कुमार जी ने दिया है। गणेश कुमार जी ने दिया है, हाँ, लेकिन मीडिएटर हाँ, हाँ, तो सरकार ने किसी भी तरह से कोई बयान जारी नहीं किया या कोई भी इस तरह का वो मान नहीं रहे कि हमने अभी तक किसी भी तरह का कोई भी दोष मुक्त का क्लीन चिट का नहीं दिया है। मेरी तो कहां ये दे दो उन्होंने कहा, उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कहा कि ये इन पर कैसे आया, ये उनको पूछना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपने अच्छा वो पढ़ा नहीं है उनका प्रेस रिलीज? मैंने ही पढ़ा, मेरे पास भी है। अभी बात करा तो उन्होंने भी ये गणेश कुमार जी ने कहा मेरे पर कोई सीसी नहीं है, मेरे पर कोई, हाँ उनके पास नहीं है वो, तो उनको मेरे उनके लिफाफे कॉन्फिडेंशियल लेटर आया था जो मुझे उन्होंने डिलीवर्ड किया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे डिलीवर्ड किया गया है, डॉक्टर राजीव मिश्रा को भी डिलीवर्ड किया गया है जो प्रिंसिपल थे, और डॉक्टर सतीश कुमार को भी डिलीवर्ड किया गया है। आपने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरकार ने, उसकी प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्टर कफील को ये हैंडवर्क किया जा चुका है। और ये काफी दिनों बाद हुआ, ये आप 18 अप्रैल को बन गया आपको अब दिया गया जी, कारण कुछ आपको लगता है? मुझे तो ये लगता है कि लोकसभा चुनाव था और वो चाहते नहीं थे कि योगी जी की उनकी इस रिपोर्ट की वजह से मोदी जी पे कोई एम्बरेसमेंट हो, तो लोकसभा चुनाव के बाद तक रोका गया था इसको, मुझे लगता है जहाँ तक। अभी आप क्या चाहते हैं कि ये जो सस्पेंशन है ये हट जाए केवल, या फिर जो दो आरोप और हैं वो भी? नहीं, दो आरोप देखिए, मैं तो कोर्ट का भरोसा रखता हूँ। मैं तो मुझे मैं जब ये रिपोर्ट खुद आई तो मैं खुद सरप्राइज था कि इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट कैसे ऐसे आ गई, क्योंकि ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है, मैंने इतने पेपर जो दिए हैं हिमांशु कुमार जी को, उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं तब इन्होंने बनाई है, यही पेपर कोर्ट भी एक्सेप्ट करेगा। मैं जूनियर मोस्ट डॉक्टर था, 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया है, जब मेरे पास फाइनेंशियल पावर नहीं था तो मैं करप्शन कहाँ से करता? जब मैं प्रोबेशन पीरियड होता है हमारा साल भर में, हाँ। 2 साल का प्रोबेशन आपके पास, 2 साल का साल भर के बाद ये हाँ, मैं 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है तब आपकी जॉब परमानेंट होती है। तो जब मैं प्रोबेशन पीरियड में था तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मेरे पास हो ही नहीं सकता था, तो मैं 100 वार्ड का सुपरिटेंडेंट कैसे हो सकता था? ये तो कोई अंधा भी बता सकता है, तो ये कोर्ट तो बताएगी, तो मुझे कोर्ट पे ही भरोसा है। अब आप ये देखिए, बेसलेस एलिगेशन इन्होंने कल ये बनाया कि ये नहीं 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 2013 में उन्होंने एक रिलीज़ किया है 2013 का सर्टिफिकेट जिसमें मैं मेडिक स्प्रिंग में रजिस्टर्ड हूँ एज अ डॉक्टर मेडिक स्प्रिंग हॉस्पिटल में, 2013 में वो काम करते थे मेडिक स्प्रिंग हॉस्पिटल में। अरे भाई, घटना कब हुई है? 2017 में 10 अगस्त को, 2013 में काम करते थे तो, और आपके एम्प्लॉय नहीं थे तो क्यों उसको घुमा रहे हो? लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये एक तरह का जुमला होता है। केवल सिर्फ इसलिए ये करा गया, क्या कहते हैं आप ये मानना है कि स्वास्थ्य मंत्री पर ये बात ना जाए, सिद्धार्थनाथ सिंह पर ये बात ना जाए, वो कुछ बोल चुके थे कि अगस्त में बच्चों की मौत होती है तो उनको किसी को लेना था, केवल ये इसी वजह से था? नहीं, बात ये थी कि 14 लेटर्स जो हैं पुष्पा सेल ने दिए थे, मेरा पैसा दे दो नहीं तो मैं ऑक्सीजन बंद कर दूंगा। ये पहला लेटर जो है 6 अप्रैल 2017 का है और इसमें चीफ मिनिस्टर को भी इन्फॉर्म किया गया है। तो अगर जब बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो सब फंसेंगे। तो जिनको भी ये लेटर मिला है सब फंसेंगे कि आपने भैया 4 महीने तक पैसे क्यों नहीं दिए। वो तो उसने देखिए रिमाइंडर 1 करके लिखा है ना, ऐसे 14 रिमाइंडर लिखे हैं, 14 रिमाइंडर के बाद भी आपने पैसा नहीं दिया, किसने कमीशन खाने के चक्कर में पैसा रोक रखा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और मेरी बार बार यही मांग रहती है कि इसकी एक सीबीआई इंक्वायरी करा लें, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे पकड़ लें। लगता है आपको होगी? लगता तो नहीं, अब कहते हैं सीबीआई भी जो है, अभी तो वन आइड वल्चर का कोई वो दे रहा था उपाधि दे रहा था, कोई केस पैरेट कहता है। बहरहाल देखिए, जुडिशरी पे भरोसा है मुझे, कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट पे मुझे भरोसा है और मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलत नहीं किया है, मेरा दिल जानता है मैंने गलत नहीं किया है। सॉफ्ट टारगेट ये है कि देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर वो कपिल
भी होता तब भी उसको योगी जी शायद जेल ही भेजते। उनको पूरी स्टोरी का ध्यान हटाना था 70 बच्चों से, पर जब डॉक्टर कफील खान का नाम बन जाता है तो वो स्टोरी खरीदने में बड़ा मतलब आसानी हो जाती है, बस ऐसे समझ लीजिए। आप कह रहे हैं कि आपके धर्म की वजह से, कौम की वजह से ऐसा हुआ? नहीं, मतलब कि और सब टारगेट बनाने में इजी हुआ ऐसा आप कह रहे हैं? इजी होता है, इजी होता है, बट द थिंग इज दैट कि मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे कोई होता उसको बलि का बकरा बनाया जाता। अभी आप बिहार में चमकी बीमारी के बाद अंजना ओन कश्यप से जो लड़के ने बहस की थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तब सबसे बड़ी बात है कि आप सॉफ्ट टारगेट ढूंढिए और उसको कर पूरा डॉक्टर कम्युनिटी सॉफ्ट टारगेट होती है। अभी जो सारे डॉक्टर का कहते हैं अलग अलग जगह आंदोलन कर रहे हैं, आप भी कोई किसी रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? जी जी, वो मेरे को बता। हाँ, मैं ये हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन की काम कर रहा हूँ। आई रियलाइज दैट बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी वॉज जस्ट अ ब्रूटल फेस ऑफ आवर ब्रोकन हेल्थ सिस्टम। जिस साल बीआरडी में 70 बच्चे मरे थे उस साल पूरे इंडिया में 800,000 बच्चों ने दम तोड़ा था और यूनाइटेड नेशन कहता है कि उनको बचाया जा सकता था। 50% बच्चे जो हैं कुपोषण का शिकार हैं, 4.5 लाख लोग अभी भी इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस से मर जा रहे हैं। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गया है एचआईवी एड्स के लोगों का, डायबिटीज़ में नंबर सेकंड बन गया है। 80% डॉक्टर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में शहरों में काम कर रहे हैं। तो हमारी जो सरकार है अभी भी 99.2% ऑफ GDP यूज़ कर रही है। तो ये हमने 25 हेल्थ एक्टिविस्ट की मदद से ये प्रपोजल बनाया है और हमने डेटा जो है यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक से कलेक्ट किए हैं। हमारी मांग है कि हेल्थ फॉर ऑल, एक राइट टू हेल्थ केयर एक लेजिस्लेशन के थ्रू पार्लियामेंट में पास किया जाए और एक्ट बनाया जाए ताकि एवरी इंडियन सिटीजन शुड हैव एसेस टू हेल्थ एट हिज डोर स्टेप, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट। जो बात कह रहे हैं उसमें सरकार ने क्या कहते हैं योजना का ऐलान कर रखा आयुष्मान भारत, कल उसका UN में भी जिक्र जो है प्रधानमंत्री साहब ने किया है। आपको नहीं लगता 50 करोड़ लोगों तक वो जा रही है वो आयुष्मान भारत योजना? तो वो यही है आयुष्मान भारत योजना जो है अक्टूबर 2017 में लॉन्च हुई थी और इस भरोसे के साथ अरुण जेटली जी ने लॉन्च कराया था बहुत फनफेयर से, मरहूम अरुण जेटली जी, कि 10 करोड़ फैमिलीज को यानी 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए इंश्योरेंस देंगे। जी, आपकी शादी हो गई है? नहीं, मेरी शादी नहीं। अच्छा, ठीक है। आपके घर में आपने अब्बू जान से पूछेगा, अपने पिताजी से पूछेगा कि पूरे साल भर का मेडिकल एक्सपेंस कितना आता है। एक घर में अगर बूढ़ी माँ हो, मियाँ बीवी हो, दो बच्चे हों तो एक घर का मेडिकल एक्सपेंस 20 से 40 हज़ार रुपये आते हैं, साल भर की बात कर रहा हूँ। एक डॉक्टर 500 रुपये फीस लेने लगा है। 10 करोड़ लोगों के लिए 20 हज़ार से गुणा कर लिए 2 लाख करोड़ चाहिए आपको। और 2017 में कितना दिया था? 2000 करोड़। 2018 में कितना दिया? 2400 करोड़। इस साल जब एन सीताराम मैडम ने बजट पेश किया है तो कितना दिया है? 2400 करोड़। कितना चाहिए? 2 लाख करोड़। कितना दिया है? 2400 करोड़। तो कितना हुआ ऊँट के मुंह में? जीरा। खुद पीयूष गोयल सर ने जब जनवरी में बजट पेश किया था तो ये बात मानी थी कि सिर्फ उन्होंने 10 लाख लोगों को आयुष्मान के अंडर कवर कर पाए हैं अभी तक। एक लास्ट बात ये आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको याद होगा कि मरहूम अरुण जेटली जी ने एक बहुत फन फेयर से कहा था और हाथ फैला के कहा था समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, और कहा था कि 1.5 लाख वेलनेस सेंटर खोलेंगे जहाँ पे सर्दी जुकाम के अलावा जो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्सिनोमा का इलाज किया जाएगा और योगा भी करेंगे बैठ के, उसके लिए अलग एक कमरा रखा गया था। तो हमने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के टीम के साथ बैठ के बैठे हम लोगों, आपने कहा कि चलो ज़मीन सरकार फ्री देती है तो एक 4 कमरे की बिल्डिंग बनाने में, 4 डॉक्टर को 1 साल फीस दे सैलरी देने में, स्टाफ हो, मेडिसिन का कितना खर्चा आता है, तो टोटल खर्चा आया 3 करोड़ रुपये गोरखपुर में यानी कि छोटे गांव शहरों में, और दिल्ली में 4 करोड़ रुपए। अब आप 1.5 लाख से 3 करोड़ गुणा करिए तो आपको कितना चाहिए? 4.5 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ चाहिए वेलनेस, 1.5 लाख वेलनेस सेंटर खोलने के लिए। और कितना दिया है? 4000 करोड़ उन्होंने दिया 2018 में, और इस बार उन्होंने 6000 करोड़ कर दिया है।
तो आपको चाहिए, जब 6 लाख करोड़ आप दोगे 6000 करोड़, तो कैसे हो पाएगा? तो एक भी वेलनेस सेंटर खुला है आपको पता है? नहीं, अभी तक 2 साल हो गए अभी तक। हेल्थ फॉर ऑल जो है उसमें आप ये कह रहे हैं कि इसमें बजट बढ़ाना पड़ेगा देश भर में। यस, हमारी डिमांड है कि 3% जो है GDP को करा जाए, केयर में लेके आए जी। यस, अच्छा आपने वो सच में वो BBC अभी रिपोर्ट नहीं देखी है जिसमें लगातार ये साफ कह रहे हैं वो कि क्लीन चिट वाली जो खबर है वो व्हाट्सएप के जरिए फैलाई गई है, और क्या कहते हैं इसमें बहुत ही क्लैरिटी नहीं है किसी भी तरह की, और आपकी भी उनसे BBC वालों से बात हुई। मैं इसलिए क्योंकि उस रिपोर्ट का हवाला तो दे रहा हूं, देख लूंगा, आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा। देखिए, और उसमें मुझे अभी तक सरकार ने इस तरह की कोई बात स्वीकार ही नहीं करी है। नहीं, सरकार तो नहीं, तो ये ठीक है, आप भी पढ़ सकते हो। मैं अगर हिंदी नहीं पढ़ सकते तो मैं हिंदी पढ़ के सुनाता हूँ। तो फिर बताओ, आप बताओ, आपको क्या लगता है? वो ये भी कह रहे हैं कि ये आप पर कैसा है, ये भी उनको पता करना चाहिए। नहीं, ये तो जैसे कि मैंने साइन किया है, मैंने मुझे गणेश कुमार सर ने वो उसे हैंडओवर किया, मैंने उसे बात किया, वो हैंडओवर उन्होंने हैंडओवर किया है। ये दिस इज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गिवन टू ऑल द अक्यूज्ड। ये जैसे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट दी जाती है कि इन्होंने मुझसे कहा है कि आपको कुछ और कहना है क्या, आपको कुछ और कहना है, तो उसके बाद हम लिख के देते हैं कि मुझे नहीं कुछ कहना है, तब वो फाइनल आंसर देंगे। दिस इज ऑल्सो टू कि दैट इज़ उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव कि वो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है कि नहीं, एक और इंक्वायरी बैठा देती है, समझ रहे हो, और कोई और इल्ज़ाम लगा देती। जैसे इन्होंने कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि डॉक्टर कफील जो है सोशल मीडिया के थ्रू सरकार के खिलाफ जो है भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। हाँ, वही मतलब व्हाट्सएप एंड देन पोर्टल्स के जरिए वही वो बात कह रहे हैं जी। ठीक है, कि तो आपने खुद रिपोर्ट पढ़ी, आप बताओ, अच्छा आप बताओ, कंक्लूजन क्या है? मुझे तो लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो ये इस बात को कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो आई है वो काफ़ी उन पर कैसे आई, क्योंकि हमने अभी तक उनको नहीं दी। नहीं, तो आप उन्होंने मुझे खुद रिपोर्ट दी है, और ये रिपोर्ट डॉक्टर राजीव मिश्रा को भी मिल चुकी है। अगर आप जर्नलिस्ट हो तो आपको तो उस रिपोर्ट को भी खोद के बाहर निकालना चाहिए। नहीं, मैंने गणेश जी से बात करी, उन्होंने कहा कि उन्होंने दी है, कंफर्म किया उन्होंने। नहीं नहीं, दी है वो तो मुझे पता है। हिमांशु कुमार का क्या हुआ? जिसने रिपोर्ट दी उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। पता करिए वो कहाँ चले गए बेचारे। जो आई प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी उसका पता नहीं हो पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हर बात पर बात करी हमसे। देखिए, मैं आपसे आँख में आँख मिला के बात तभी कर सकता हूँ जब मैंने कुछ गलत नहीं किया हूँ, जब मैंने कुछ चोरी नहीं की हो। मैं बोलता सिर्फ इसलिए हूँ कि मुझे जेल में किसी ने बताया था कि इस जुल्म के दौर पे जुबा खोलेगा कौन, हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अच्छा, इन सब इल्जामात को झेलने के बाद